रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है और जो आला लगाकर मरीजों की जांच कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना तो उसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने पकड़ा, ना ही अस्पताल प्रबंधन ने। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वो महिला एक अन्य मरीज की जांच पड़ताल कर रहा था। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र उन डॉक्टरों के चैम्बर में बैठा था जो खाली रहते थे, वहीं बैठकर मरीज को वो देखता था और खुद दवाइयां भी लिखता था। छात्र से कई बार पूछने पर अपना नाम नहीं बताया उसने, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अन्य स्टाफ की माने तो अस्पताल के ही कर्मचारी का वो बेटा है। कौन हो? कौन से डिपार्टमेंट में? क्या नाम है आपका जी? कौन से डिपार्टमेंट में हो ये तो बता दो। सारे डिपार्टमेंट में जानते ही हूँ ना मैं, पूछ लूंगा अभी उनसे फोन करके। और किसी भी डिपार्टमेंट में तो यहाँ बैठ के क्यों देख रहे हो? परसों आए जब हम यहाँ दिखाने तो डॉक्टर उठ गए थे रिपोर्ट लेके आए, तो रिपोर्ट ले लिए और फिर पूरी उसमें मोबाइल में फोटो खींच रहे थे और बोले सर के पूरे चैम्बर के खींचे थे। मन सोच रहे थे कि काहे कर रहे हैं, बोले कि हो जाएगी आपकी दवाई, अभी बैठो थोड़ी देर, डॉक्टर आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बैठ रहे हम, फिर जब नहीं आए डॉक्टर हम उठ के चले गए। आज फिर से वो पर्ची हमारे लाइके पूरी पर्ची के फोटो खींच लिए, बोले कि तुम्हारी दवाई हो जाएगी। प्रथमतः जांच में अभी ये लग रहा है कि चूंकि यहाँ का वो जो ग्रेजुएशन का रेडियोग्राफर का डिप्लोमा का कोर्स होता है, डिग्री होती है, वो कोर्स में यहाँ इनरोल्ड है वो लड़का और उसके आगे की जांच हम कराएंगे। उसको ये बोला गया है कि आप सीखने के लिए जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है जांच कराने पता हो सकता है उसकी वहाँ ड्यूटी लगी हो। अभी प्रथमता तो ये है कि यहाँ का स्टूडेंट है वो और वहीं पर मिला है।